हेलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सो so स्टूडेंट आज हम प्रूव करने जा रहे हैं टू प्लस टू इक्वल टू फाइव इसे प्रूव करके आप अपने कूल cool वे से टीचर को इंप्रेस कर सकते हैं सो फोर इक्वल टू फाइव को हम प्रूव करेंगे टू मेथड से सो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड हम जानते हैं कि जीरो इक्वल टू जीरो होता है लेफ्ट हैंड साइड में हम जीरो को लिख सकते हैं ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी और राइट हैंड साइड में हम जीरो को लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि बोथ साइड से सप्रैक्ट करने पर जीरो ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्वेंटी को लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई फाइव माइनस फाइव मल्टीप्लाई फाइव लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम फोर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा फाइव माइनस फाइव और राइट हैंड साइड में फाइव कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा फाइव माइनस फाइव अब स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइव माइनस फाइव को कैंसिल करते हैं राइट हैंड साइड में फाइव माइनस फाइव से तो हमारे पास बचेगा फोर इक्वल टू फाइव अब स्टूडेंट फोर को हम लिख सकते हैं टू प्लस टू इक्वल टू फाइव हैंस प्रू ओके स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स राइट हैंड साइड में माइनस ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव लेफ्टाइड में हम स्टूडेंट लिख सकते हैं सिक्सटीन को फोर स्क्वेयर और राइट हैंड साइड में हम ट्वेंटी फाइव को लिख सकते हैं फाइव स्क्वेयर माइनस थर्टी सिक्स को हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फोर मल्टीप्लाई नाइन राइट हैंड साइड में माइनस फोर्टी फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई नाइन अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड कर रहे हैं एटी वन पॉइंट फोर और राइट हैंड साइड में भी हम ऐड कर रहे हैं एटी वन पॉइंट फोर ये हम दोनों साइड से ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड से कोई डिफरेंस नहीं आएगा अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम फोर स्क्वेयर और राइट हैंड साइड में लिखते हैं फाइव स्क्वेयर सेकेंड टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हम क्या कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से डिवाइड सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी हम टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम एटी वन पॉइंट फोर को ले सकते हैं नाइन अपॉन टू का होल स्क्वेयेर राइट हैंड साइड में हम एटी वन पॉइंट फोर को ले सकते हैं नाइन अपॉन टू का होल स्क्वेयर सेम इक्वेशन को फिर से रिपीट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है हम टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर रहे हैं इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन में जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे स्टूडेंट वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जिसे हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं फोर माइनस नाइन बाई टू का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फाइव माइनस नाइन बाई टू का होल स्क्वायर अब अगर स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कैंसिल करते हैं राइट हैंड साइड में स्क्वायर से तो हमारे पास बचेगा फोर माइनस नाइन बाई टू इक्वल टू फाइव माइनस नाइन बाय टू माइनस नाइन बाई टू बहुत साइड से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचेगा फोर इक्वल टू फाइव फोर को हम लिख सकते हैं टू प्लस टू इक्वल टू फाइव हैंड्स प्रूवड सो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कि दोनों मेथड्स में क्या मिस्टेक है तो आइए स्टूडेंट देखते हैं दोनों मेथड्स के किस स्टेप में मिस्टेक है इन मेथड वन दिस स्टेप हैज मिस्टेक क्योंकि आप दोनों तरफ से ब्रैकेट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू जीरो है अगर हम फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है अब सेकेंड मेथड में इस स्टेप में मिस्टेक है क्योंकि हमने गलती से दोनों तरफ स्क्वेयर लिया है सो so स्टूडेंट जब भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल करना है तो उसे हमेशा प्लस माइनस वैल्यू के साथ लिखेंगे फोर माइनस नाइन बाई टू को एक बार प्लस वैल्यू फाइव माइनस नाइन बाई टू के साथ लिखेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन बाय टू जो कि एक रोंग वैल्यू है इस रोंग वैल्यू के कारण ही हमने फोर इक्वल टू फाइव प्रूव कर दिया था अब हम देखते हैं दूसरी अप्रोच फोर माइनस नाइन बाई टू को जब हम नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे तो सोल्व करने पे हमारे पास आएगा माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन बाई टू जो कि एक राइट right वैल्यू है आई होप स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल